हेलो एवरीबॉडी। सो आज हमारी रीडिंग है वो दिवाली को लेके है। दिवाली में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या विश पूरी हो रही है आपकी, क्या गुड न्यूज़ है, इस चीज़ को लेके है। क्योंकि जब जब दिवाली आती है लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि पैसे आए, प्यार आए, अबंडेंस आए, और जो भौतिक सुख है उसका प्रतीक है। क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दिवाली में। आप जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, उसी के लिए ये रीडिंग हमारी है। और आप देख सकते हैं क्या लक्ष्मी गणेश का क्वाइंस है। और जहाँ लक्ष्मी माँ संपत्ति की देवी हैं, धन की देवी हैं, वहीं गणेश जी शुभारंभिक शुभ शुभारंभ जिसे कहते हैं गुड लक के देवता हैं। इनका कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले उनका नाम लिया जाता है। सो आज की रीडिंग बहुत अच्छी होने वाली है पीके पाइल स्टेशन की। एंड यहाँ पे दो पाइल है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट फाइल है यहाँ पे एंजल कार्ड है यू आर रेडी का। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप एक पाइल चूज कर सकते हैं। साथ में है आउल है एनिमल स्पिरिट गाइड का। तो अगर आपको आउल भी अट्रैक्ट कर रहा है तो आप फर्स्ट पाइल चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर सेकेंड पाइल में ये मूनोलॉजी टेक का कार्ड, न्यू मून का एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग का कार्ड आपको पसंद आ रहा है तो अपने इंट्यूशन से इस कार्ड को चुन सकते हैं। साथ में यहाँ भी है माउस। तो अगर ये माउस पसंद आ रहा है सेकेंड पाइल के लिए तो आप इस पाइल को चूज कर सकते हैं। सो मैं विश करता हूँ कि आपका ये रीडिंग बहुत सोच समझ के आप पाइल चूज करेंगे अपने इंट्यूशन से। थंबनेल से भी आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग आपका बहुत शुभ हो। दिवाली स्पेशल है, दिवाली की और भी रीडिंग्स आएगी आपके लिए। तो अभी हम पहले ये रीडिंग करते हैं। पहला पाइल इन्होंने चूज किया है उनके लिए पहले हम रीडिंग करते हैं। तो सेकंड पाइल को हम लोग साइड करते हैं अभी। एंड जिन्होंने भी पाइल वन चूज किया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आउल पहला कार्ड जो है ये यहाँ पे लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, लक्ष्मी माँ का सवारी है आउल। और फायर साइन है। कोई भी आप लगता है अगर ये रीडिंग जो देख रहे हैं हो सकता है बहुत लोग एयर साइन हो, अगर नहीं भी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज ये आउल का कार्ड है और आउल है जिसे कहते हैं अबंडेंस का प्रतीक है, ट्रेजर खजाने का प्रतीक है और सिक्योर लाइफ जिसे कहते हैं, जिसे पैसे की कमी जिसे कहते हैं, वो चीज़ें खत्म होती हैं अगर आउल का प्रतीक आपके लिए आता है, आउल का गुड लक आता है तो पैसे की जो कमी है वो खत्म होती है, गिफ्ट्स आ सकते हैं आपके पास, टोटल अबंडेंस आपको लाइफ में आएगी। जो आपके लाइफ में पैसों की कमी है वो आउल के जो गुड लक है उससे पूरे होते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस दिवाली में एक दो दिन पहले, दिवाली के दिन या एक दो दिन बाद तक आप आउल देखते हैं कहीं भी तो आपको वहाँ पे गुड लक मिलेगा और काफ़ी संभावना है कि आपके पास पैसे आ सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड तो ये है। अब हम देखते हैं कि एंजल मूनोलॉजी डेक से, टैरोट से क्या कुछ ब्लेसिंग्स विशेस क्या पूरे होने वाले हैं, किस चीज़ का अंत होने वाला है वो चीज़ देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि टैरोट से क्या क्या है। तो टैरोट से देखते हैं फर्स्ट फाइल के लिए क्या क्या है। तो फर्स्ट फाइल के लिए पहले मैंने यहाँ पे एक मैं देख पा रहा हूँ कि फोर ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड। सारे कार्ड्स मैंने सफल करके निकाले हैं। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि आप लोग थोड़े से बहुत वॉरिड हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत किसी चीज़ की कमी है आपके लाइफ में जिसको लेके आप बहुत सोच रहे हैं। एंड एक फेयर एंजाइटी भी, आपको डर भी है कि क्या वो चीज़ होगी, नहीं होगी या ख़त्म हो जाएगी। मेंटल ओवरलोड भी बहुत हो गया है आपके पास। एंड अभी जो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ लोग हर्ट भी हैं किसी चीज़ से, या लव रिलेशनशिप में हो सकता है पैसों की कमी है, या कोई भी फैमिलीज मैटर में हर्ट फील कर रहे हैं, थोड़े से दुख में हैं, और आपके साथ लाइफ में धोखा भी हुआ है, कुछ लोगों के साथ लाइफ में धोखा हुआ है। ये किसी फैमिली वाले से ही हो सकता है या आपके लवर से हो सकता है, ब्रेकअप हुआ है जिससे आपको अकेलापन आ गया है।
तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एब्सेंस हैं, पैसे भी एब्सेंस हैं, प्यार भी नहीं है, कि किसी किसी के साथ तो दोनों ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, और आप लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, सैडनेस में हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, कई तरह के डिसऑर्डर्स हुए हैं, आपको लॉस हुआ है, तो ये स्थिति अभी की आपकी बता रही है। आपकी हेल्थ भी कुछ कुछ डाउन है मेंटली, और किसी ट्रामा से आप गुजर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सामने निकल के आई है कि आपका जो इमोशनल पेन हुआ है या प्रोफेशनल इकोनॉमिकल पेन हुआ है, जिसमें आपको बहुत दुख पहुँचा है, एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएं और एक बार फिर से आपका लाइफ ट्रैक पे आए, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चर्च है, तो आप लोग दुआ कर रहे हैं, और अभी भी बहुत कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स आपने गिव अप तो कर दिया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ आपके पास है जिससे आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं और करना भी चाहिए। एंड चिंता करने से कोई प्रॉब्लम, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, चिंतन करना है आपको, चिंता नहीं करना है बल्कि चिंतन करना है, सोचना है, प्लान्स बनाना है आपको। यहाँ ये कार्ड ही कह रहा है कि आपको प्लानिंग करनी होगी, तो ये पहला कार्ड है टैरोट से। फिर हम देखेंगे कि सेकंड कार्ड, प्लान करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल भी आपके फेवर में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड। किंग ऑफ वैंड कोई फ्रेंडली इंसान आपके लाइफ में दाखिल हो सकता है जिससे आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। मुझे लगता है किसी मैरिड इंसान से आपकी बातचीत चल सकती है, जहाँ पे एक दोस्ती की शुरुआत होगी और आपसी अंडरस्टैंडिंग से कुछ अच्छे दिन बीतेंगे और आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है वो इंसान सेपरेटेड हो। किसी आप में से कोई लोग के लिए ये दिवाली जो है एक ब्लेसिंग्स तो लेके आ रही है, एक अच्छा मैरिज प्रपोजल भी लेके आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको ऑफिसेस में लीडरशिप मिलने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, कुछ चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में मिलेगा जिसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। अपने बोल्डनेस से आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ जो गुडविल है वो आपके फेवर में है, अपनी होनेस्टी से, अपने लीडरशिप क्वालिटी से आप दूरदर्शी बन पाएंगे, और ये दिवाली आपके लिए ब्लेसिंग लेके आ रही है कि आपको आने वाले दिनों में एक अच्छी लीडरशिप प्रमोशन मिल सकता है, और मैरिज के भी संभावना है, अच्छे मैरिज के। ये एक जन याद रखिएगा, एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे वो अपनी सिचुएशन के अनुसार आप लें, एंड सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी के लिए। सो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंड कार्ड है, क्योंकि टाइम आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है, आपके कुछ काम होते होते बिगड़ जा रहे थे, कुछ काम बन नहीं पा रहे थे, एंड वो चीज़ आपको हर्ट कर रही थी अंदर से, एंड बार बार वो काम होते होते रुक जा रहा था आपका किसी वजह से, तो आप बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उसका समय आ गया है। ये दिवाली, ये नवंबर आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक आ रहा है आपके लिए, और एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में, जो बदलाव है वो बदलाव का दौर है, वो बहुत जल्द आ रहा है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप लोग जो सिंगल लोग हैं, ब्रेकअप हुआ है या बहुत समय से सिंगल हैं किसी वजह से, तो यहाँ मैरिज के प्रपोजल तो आ ही रहे हैं, बट यहाँ ये एनर्जी सोलमेट की एनर्जी आ रही है, तो आपके सोलमेट आ रहे हैं, डोंट वरी, भाग्य आपके साथ है, आपको फिर से चांस, लाइफ एक बार फिर से चांस देगा, और वो समय आ गया है। अनदर कार्ड देखते हैं, प्यार आ रहा है, बिल्कुल प्यार आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्यार आ रहा है, ये प्यार जब आपकी लाइफ में दाखिल होगा तो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड से पता चल रहा है, और जो बदलाव होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव होगा, कोई इंसान धीरे धीरे आपके तरफ बढ़ रहा है, और बिल्कुल एश्योर्ड है, ये एश्योर्ड है आपके आपके लिए, ये बंदा रोमांस लेके आ रहा है, और ये इंसान बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रेसफुल है, थोड़ा डिप्लोमेटिक है, लेकिन आपके लिए आपको निगोशिएट करेगा, एंड बहुत विनम्र स्वभाव का है, रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है, सबसे बड़ी बात मैं एक वर्ड में कहूँ तो रोमांटिक प्रपोजल आपके लिए आ रहा है, ऑफर्स आ रहे हैं, काम के भी ऑफर आ रहे हैं आपके पास, कुछ अच्छे काम के, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर आप दोनों, अगर दो पर्सन हैं और रिलेशनशिप में है, इन आउट हो रहा है तो स्टेबल होगा,
और अट्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ लोग डेटिंग का प्लान बना सकते हैं, केयरिंग हो जाएंगे आपके पर्सन आपके लिए, सेंसिटिव तो है ही। एंड अगर आपका करियर किसी आर्ट वर्ल्ड में, आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव करियर है, क्रिएटिव वर्ल्ड में करियर है, तो वहाँ आपको भारी सफलता मिल सकती है। एंड पीस लविंग आपका रिलेशनशिप चलेगा किसी के साथ, अदर क्योंकि यहाँ पे होगा लव एक्सचेंज, प्यार आएगा, प्यार आने वाला है। जो प्यार आप बहुत समय से चाह रहे थे कि आपको प्यार का ऑफर मिले, और वो प्यार बिल्कुल आपकी लाइफ में चला गया था, तो डिवाइन का सपोर्ट है। ये दिवाली, ये नवंबर आपके लिए डिवाइन के द्वारा, लक्ष्मी माँ के द्वारा आपके लिए एक पर्सन भेजा जा रहा है जो सब चीज़ों से एलिजिबल होगा, इकोनॉमिकली, प्रोफेशनली एंड सोशली भी, और वो आपको लव प्रपोजल देगा, लव का एक्सचेंज होगा एंड रिलेशनशिप्स बनने वाले हैं काफ़ी सारे लोगों के। एंड इक्वलिटी जो आप चाह रहे थे वो मिलेगी आपको, प्रपोजल, इंगेजमेंट, मैरिज के चांसेस तो हैं, मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ से लग रहे थे, यहाँ से भी मुझे इंगेजमेंट और मैरिज के चांसेस हैं। बहुत जल्दी आपके लाइफ में आपके जो मैरिज के ड्रीम्स थे वो पूरे होंगे। और काम के लिए भी, काम के लिए भी अच्छा समय है, कोई बिजनेस डील हो सकती है किसी के साथ, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकता है, किसी के साथ एग्रीमेंट हो सकता है रेंट का, तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल भी बहुत अच्छा होने वाला है। एंड एंड ऑफ द डे आप चीज़ों को सेव कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, आप सेविंग्स कर पाएंगे, जो इनकम आपके आउट गोइंग्स हो रहे थे, इनकमिंग आउट गोइंग हो रहे थे, पैसे आ रहे थे जा रहे थे लेकिन पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, तो आप पैसे सेव कर पाएंगे, फ्यूचर्स के लिए आप बहुत कुछ बचा पाएंगे। पैसे आ रहे हैं उनको आप होल्ड कीजिए और पैसे खर्च करने से बचिए, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल सेविंग मनी को दिखला रहा है, तो सेव मनी सेव कर पाएंगे आप, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। कुछ संपत्ति का हिस्सा आपको अपने पेरेंट्स से मिल सकता है, अपने पूर्वजों से मिल सकता है, एंड काफ़ी सारी जो है आप जो पैशन है आप उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। एंड बिल्कुल मुझे लगता है कि जो सेव आप पैसे नहीं कर पा रहे थे वो सेविंग का समय अब है। तो यहाँ टैरोट से हो गई, अब देखते हैं कि एंजल से क्या है आपके लिए, एंजल कार्ड से क्या है आपके लिए, लेट्स सी। तो एंजल से देखिए, पुरानी चीज़ों को भूलना होगा आपको, जो भी आप मेंटल ट्रामा फेस कर रहे हैं किसी वजह से, लव के लिए या पैसों के लिए, वो चीज़ें भूल जाइए, जो धोखे आपके साथ हुए, जो लॉस हुए, उसको माफ़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, कोई अच्छा निपटारा होगा आपके फैमिली में, प्रॉपर्टीज़ का निपटारा पीसफुली होने वाला है, उसका निदान निकलेगा। रिलेशनशिप में भी आपको शांत रहना है, क्योंकि वहाँ वो समस्या का समाधान बहुत जल्दी करीब है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। चीज़ें डिवाइन, लक्ष्मी माँ और जो गुडविल है वो आपके साथ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस यानी कि बहुत बड़ा बदलाव, ये दिवाली और ये मंथ बहुत बड़ा बदलाव आपके लिए लेके आ रहा है। एंड क्योंकि आप रेडी, यू आर रेडी सभी चीज़ों के को रिसीव करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या प्यार हो, किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए आप रेडी हैं। डोंट वरी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट से आगे बढ़िए। और अब हम देखते हैं कि लास्ट में कि आपके लिए मूनोलॉजी डेक से क्या है। तो ब्लू मून का कार्ड है बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में बिलीव कीजिए, जो चीज़ें आपको बहुत टफ लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल भूल जाइए, डिवाइन अपना काम कर रही है, विश्वास कीजिए इम्पॉसिबल चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पे है बाल्समिक मून का कार्ड है, ए टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि डैमेज कंट्रोल का टाइम आ चुका है, एक न्यू स्टार्ट आने वाला है आपके लाइफ में, और वो सारी चीज़ों की भरपाई होने वाली है। तो पाइल वन जिन्होंने चूज़ किया था, उनके लिए दिवाली की ब्लेसिंग्स और जो विशेज हैं क्या पूरे क्या होंगे नहीं होंगे, उसकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम पाइल टू देखेंगे कि पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए क्या है। तो जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है इस मूनोलॉजी टेक को देख के, ए न्यू स्टार्ट कमिंग, न्यू मून का एक अगर कार्ड जिन्होंने भी पसंद किया है उनके लिए रीडिंग शुरू करते हैं, या तो फिर जिन्होंने ये माउस का कार्ड चूज़ किया है अर्थ साइन का, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों का अर्थ साइन हो, एंड
माउस तो आप जानते हैं कि गणेश जी की सवारी होती है, कोई भी शुभ आरंभ जब होता है तो गणेश जी का नाम लिया जाता है एंड उनकी पूजा की जाती है। तो इस दिवाली आपको गणेश जी की क्या ब्लेसिंग मिल रही है लक्ष्मी गणेश जी की, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो माउस कार्ड है वो साफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी आप ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हैं, साधन संपन्न सारा चीज़ होने वाली, एक शुभारंभ होने वाली है। और जो आप बिजी नहीं चल रहे थे, आपके पास काम नहीं था, तो एक अच्छा ब्लेसिंग आ रहा है आपके लिए, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ये दिवाली जो ब्लेसिंग लेके आ रही है और जो आपकी विश है वो पूरी होने को है। तो यहाँ पे माउस कार्ड मुझे यही बता रहा है, एनिमल स्पिरिट गाइड का माउस कार्ड है, मुझे एक वाइब दे रहा है कि आपने जो सोचा है, जो मैनिफेस्ट किया है, वो पूरा होने का समय ये दिवाली से नवंबर तक, यानी कि आपको एक महीने तक ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। तो पहले बाकी कार्डों को रखेंगे, पहले हम देखते हैं कि टैरोट से क्या क्या है आपके लिए। सारे कार्ड सफल किए गए थे, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसे रखें, जो रेजोनेट ना करे जाने दें, सभी जनरल्स की रीडिंग है। तो अभी मैं आपको एक बता देता हूँ कि पहला कार्ड आया है फाइव ऑफ कप्स का। आप बिल्कुल इस समय निराश फील कर रहे हैं, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, आप रिलीफ चाहते हैं, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का लॉस हुआ है, प्यार का लॉस मुझे लग रहा है, हो सकता है कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है या किसी बात को लेकर बहुत दूर हो चला गया है, इतना दूर कि वो इतना निराश है कि उसको वापस आने का संभावना बिल्कुल भी उसके पास नहीं है। इस थॉट्स में आप भी वही समय गुजार रहे हैं और आपको भी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म है, आप रो रहे हैं, आप उदास हैं। आप ऐसे हो सकता है बहुत सारे लोग ओल्ड एज भी हो सकते हैं, यानी कि 40-50 प्लस भी हो सकते हैं, उनके लिए भी रीडिंग है। तो बहुत समय गुजर गया, आप अकेलापन आपको बिल्कुल खाए जा रहा है, निराश हैं आप ज़िंदगी से। बट यहाँ एक सजेशन है आपके पास, ये स्थिति आपकी चेंज होने वाली है, ये दिवाली आपके लिए एक बदलाव लेके आ रहा है, चेंज होने वाली है। फाइव की एनर्जी है इसलिए चेंज बिल्कुल तय है। एंड यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपके आसपास भी बहुत संभावनाएं हैं, आप सिर्फ एक दिशा में देख के चीज़ों का फैसला मत कीजिए, संभावनाएं हैं आपके लाइफ में। फिर प्यार या फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड आने वाला है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे थ्री ऑफ एंड आप बहुत वेट कर रहे हैं, आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, ये चीज़ साफ यहाँ पे आ रही है। हो सकता है बहुत दूर हो अपने लवर से या आपके लवर आपसे दूर है, तो यहाँ पे आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो कि उसका एक्सपेंशन होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा आपका। ये चीज़ आपको, क्योंकि आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो वो चीज़ें तो पूरी होनी ही है। एंड जी, जो ब्लेसिंग है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज तो करेगी ही, साथ में ग्रोथ देगी, आप आगे देख पाएंगे, कॉन्फिडेंस आप में आने वाला है। एंड बिल्कुल एफर्ट लगाते रहिए, क्यों, आपका जो भी बिजनेस है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का NRI बिजनेस हो, ट्रैवल का बिजनेस हो, ट्रेड का बिजनेस हो कहीं पे, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि ये दिवाली अबंडेंस लेके आ रही है, प्यार लेके आ रही है, एक शुभारंभ लेके आ रही है, एक लक लेके आ रही है आपके लिए। और ये सिर्फ उनके लिए होगा जो रीडिंग देख रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि आप लोग अगर कपल हैं या फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज हैं, आप लोग ट्रैवलिंग का बहुत जल्दी कोई प्लान बना सकते हैं जो कि आपको आपकी लाइफ चेंज कर देगी। एंड यहाँ पे आप समस्याओं से निकलते दिखेंगे, क्योंकि यहाँ है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि पाथ ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, लाइफ आपकी उस ओर बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्स ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है वो मुझे समस्याओं से निकलती हुई नज़र आ रही है। एंड एक चीज़ मुझे और भी नज़र आ रही है, यहाँ पे ट्रांजिशन होने वाला है, चेंज, बाकी कार्ड्स पे भी चेंज मैंने देखा, लेकिन ये एक अलग तरह का चेंज होने वाला है। आप अपना लाइफ में जो बैगेज है, निगेटिव बैगेज है, उसे रिलीज हो पाएंगे, रिलीज कर पाएंगे। और आपके लिए यही है कि कंपटीशन में अगर हैं, ऑफिस में हैं या कहीं भी हैं, तो बिल्कुल विनर की तरह निकलेंगे वहाँ से, डिपार्चर करेंगे, और समस्याओं से तो डिपार्चर कर ही रहे हैं।
और बहुत सारी चीज़ें आप अपने पीछे छोड़ जाएंगे जो आपके काम की नहीं थी। हीलिंग होगी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, करियर में भी, और मुझे लगता है कि फैमिली से भी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। और आप एक्सेप्ट करेंगे जो आपको लॉस हुआ है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे आप, और उसमें आगे बढ़ना है आपको। ट्रैवलिंग की जो जर्नी है आपकी आगे चलती रहेगी। अदर कार्ड से भी ट्रैवलिंग की वाइब मुझे आई है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग प्लान्स बनने वाले हैं आपके। एंड एक चीज़, मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहता हूँ कि ईश्वर का साथ आपके साथ है, लेकिन स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड का साथ भी आपके साथ है। आपके साथ जो आत्माएँ हैं, जो ईश्वर की आत्माएँ हैं, एंजल की आत्माएँ हैं, या आपने जिस रिलीजन में हैं वहाँ भगवान की आत्मा आपके साथ है, आपकी अंतरात्मा साथ रहेगी, क्योंकि ये स्पिरिट गाइड्स आपको आगे का भविष्य तय करने में मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, जिससे आपके साथ बुरा नहीं होगा। चीज़ें शांत हो रही है आपके लाइफ में, डोंट वरी। अगर आप वॉरिड हैं तो बिल्कुल भी आप शांत रहिए, सारी नकारात्मक चीज़ें, निगेटिव चीज़ें, वो बिल्कुल जाने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत खूबसूरत कार्ड, लव प्रपोजल तो मिलने ही वाला है, ये तो साफ पता चल रहा है। और केयरिंग, ये कोई नया रिलेशनशिप है जो आपको इमोशनल स्टेबल करेगा, आपकी फैमिलीज भी आपको एक्सेप्ट करेगी, सपोर्ट करेगी। एंड रोमांस तो आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स साफ बता रहे हैं कि रोमांस तो आने ही वाला है, कोई फेथफुल इंसान आपके लाइफ में आएगा। क्रिएटिव वर्ल्ड में है तो वहाँ भी अच्छी करियर की संभावना है, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। एंड स्टार तो है ही, माइंड ब्लोइंग होप जिसे कहते ना, होप, वो होप आपका जाएगा नहीं, वो होप बिल्कुल, आप उस होप को आप एक फ्यूचर दे सकते हैं। ब्राइट है फ्यूचर, ब्राइट है ऑन द होल, फ्यूचर ब्राइट है, पॉजिटिव है, रीन्यूअल होने वाला है आपके, आपका जो ऑरा है, आपका जो जिसे कहते हैं ना विचार है, आपका काम है, आपका वर्क है, वहाँ रिन्यूअल होगा, जिससे सब कुछ आपके फेवर में जाने वाला है, कायाकल्प होने वाला है आपका। एंड आप होप रखिए, आने वाला समय, ये दिवाली आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग लेके आ रही है, बहुत बड़ा चेंज लेके आ रही है, और आप इसको महसूस करना शुरू कर देंगे जल्द से जल्द। पैसे की चिंता नहीं करनी है आपको, पैसे आ रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल, पैसे आ रहे हैं। यहाँ आप कोई नया जॉब ऑफर भी मिल सकता है, इसकी संभावना मुझे ज़्यादा है, कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, और आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है, सबसे बड़ी बात की सिक्योरिटी मिलेगी, और आपको न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप में भी कोई नया ऑफर मिल सकता है। हो सकता है आपको इंगेजमेंट का रिंग भी मिल जाए, इंगेजमेंट की बातचीत चल जाए, जिससे कि जो आप बहुत समय से चीज़ों को रुक हुई थी आपकी, वो चीज़ें बिल्कुल एक नए स्टेबिलिटी के साथ शुरू हो जाएंगी। आपकी करियर जॉब नया मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अबंडेंस तो आ ही रहा है, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, तो अबंडेंस आपके पास आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। न्यू बिजनेस भी आप शुरू करने के पक्ष में हैं, पैसे आ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और सेविंग्स भी आप करेंगे, जो कि बाकी रीडिंग्स में भी आ चुकी है। दिवाली की बहुत ही ब्लेसफुल रीडिंग आ रही है, तो अब हम पहले एंजल से देखेंगे कि और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए और क्या करना है। पहला कार्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको करना होगा, आप थोड़ी सी उदास हैं, कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, लेकिन ये दिवाली आपके लिए एक सरप्राइज लेके आ रही है, क्योंकि मेडिटेशन आपको करना है और रिकवरी, डैमेज कंट्रोल, सारे चीज़ होने वाले हैं आपके। पैसों में नुकसान हुआ है, धोखा हुआ है, तो वहाँ रिकवरी होगी। एंड अगर आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो वहाँ भी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, एक नई उड़ जाएगी आप में। एंड लुक फॉर ए साइन, आपको साइन देखना होगा, ऐसी चीज़ें आपके ड्रीम्स में नज़र आ सकती हैं, जिससे आपको कुछ हिंट मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्या कुछ आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है उसके बारे में। आप रास्ते चलते कोई फैदर भी देख सकते हैं, 11-11 भी आप देख सकते हैं, जिससे आप साफ ही समझ जाएंगे कि एंजल आपके साथ है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले 5 मंथ्स में
कुछ ऐसा होने वाला है जो आप बहुत सालों से बहुत महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे। हो सकता है कोई मैरिज हो सकता है, या हो सकता है कोई काम के बारे में हो, कोई इंगेजमेंट के बारे में हो, कोई लवर के बारे में हो, लेकिन उसकी नींव अभी बढ़ जाएगी क्योंकि दिवाली बहुत सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं और उसकी नींव मुझे लगता है कि पड़ जाएगी इस मंथ में। एंड यस है, एक कार्ड यस भी आया है, हार्ड और वही हार्ड यस, यानी आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए थे, पॉजिटिव सवालों के नॉट निगेटिव, वहाँ है यहाँ पे यस, एक हार्ड यस कार्ड है, यानी कि आप जो पॉजिटिव बातें नहीं जान पा रहे थे और चाह रहे थे उनका जवाब मिले हाँ में, तो हाँ में जवाब है। ये दिवाली लक्ष्मी गणेश की जो कृपा आपके पर आएगी वो आपकी लाइफ को चेंज करेगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक एडवाइस है आपके लिए, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून का कार्ड है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको अपनी लाइफ में करना है, आपके पार्टनर के साथ हो या बिजनेस पार्टनर, काम के पार्टनर, मतलब जो पार्टनर्स हैं या फैमिलीज हैं उनके साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। और फिर आएगा न्यू मून का कार्ड है, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एक नया स्टार्ट आपके लाइफ में आ रहा है जिसमें आप बिल्कुल भी ऐसा फील करेंगे कि ये कैसे हो गया, आप बहुत दुखी हैं निराश हैं इस समय, लेकिन और उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कुछ अच्छा हो, तो नया स्टार्ट आ रहा है वो आपकी लाइफ को पॉजिटिव करेगा, पैसों में भी और प्यार में भी, या किसी के लिए तो दोनों में ही। तो दिवाली की ब्लेसिंग हमारी रीडिंग अभी खत्म होती है, फिर मिलते हैं, ओम नमः शिवाय।